क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हमें कोई करेगा नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, और इसलिए कांग्रेस के राज में चोर भागते नहीं थे, यही लूटते रहते थे। मोदी सरकार आने के बाद उनको डर पैदा हुआ, कार्रवाई होगी ये यकीन हो गया, और इसलिए वो भाग रहे। लेकिन हम भागे हुए लोगों को भी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, ये इतिहास है। और इसलिए सब चोरों को लूटने दिया, और अब कांग्रेस उल्टा चोर चौकीदार को ही डांट रहा है, ये तो अजीब है। उल्टा चोर चौकीदार को ही डांट रहा है। अरे हमारी सरकार तो सभी गुनहगारों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है। एक भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए और उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए हमने एक कानून बनाया। कल आपने देखा होगा, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में अलीबाग में 30,000 स्क्वायर फुट का बंगला नीरव मोदी ने बांधा था, वो डायनामाइट से कल उड़ाया गया। ये स्वतंत्र भारत में ऐसी कार्रवाई पहली दफा हुई है। दुबई में उसकी 11 प्रॉपर्टी जब्त की है, हांगकांग में 225 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है, देश में भी सैकड़ों प्रॉपर्टियां जब्त की है, और उसके साथ साथ ये काम आज भारत सरकार ने करके दिखाया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, अपराधी कानून के तहत उनके खिलाफ अर्जी लगाई है, और मोदी सरकार कमिटेड है कि ऐसे सभी भगोड़ों को वो पकड़ेंगे, भारत के न्यायालय के सामने पेश करेंगे, उनको सजा होगी, और उनको रक्षा और प्रोत्साहन देने वाले, उनको सहायता करने वाले सभी को भी सजा होगी। क्योंकि हम पूछना चाहते हैं, नीरव मोदी मेहुल चौकसी का कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ क्या रिश्ता था? क्यों वो उनके कार्यक्रम में दिखे? क्यों दूसरे दिन इलाहाबाद बैंक में कर्जा मिला? क्यों अशोक चव्हाण और सुबोध कुमार सहाय उनके कार्यक्रमों में गए, उनके उद्घाटन किए दुकानों के? और ये सब कांग्रेस का चरित्र है, ये खुद लूट करते हैं और लूट करने देते हैं, और लूट करने वालों को पूरी तरह से संरक्षण देते हैं। और इसलिए मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए उनकी चिल्लाहट जोर से हो रही है, यही है। और इसलिए नीरव मोदी दिखे हैं, भारत ने कार्रवाई शुरू की है, जैसे विजय मल्ल्या का प्रत्यार्पण संधि, हमारी अर्जी मंजूर हो गई, जैसे दीपक तलवार, राजीव सक्सेना और मिशेल को भारत में वापस लाया, वैसे सारे भगोड़े वापस आएंगे, हमें विश्वास है, देश की जनता को विश्वास है, और ये हम काम कर रहे हैं। क्योंकि चौकीदार आने पर ही उनको समझ में आया कि हमें पकड़ा जाएगा। कांग्रेस के जमाने में वो कभी नहीं भागे, हम आते ही भागने का काम किया, क्योंकि तब तक हमारे कानून वगैरह बने, और अब कार्रवाई करके वापस भी ला रहे हैं। नहीं, कोई सहन नहीं कर रहा है, हम सहन नहीं कर रहे, जनता भी नहीं सहन कर रही है। इनको तो आज क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। कल आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। अरे हम पर आतंकवादी यहां घातक कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसके लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, एक जबरदस्त उस पर प्रहार किया, उसको वो आक्रमण कह रहे। और आगे कहा उन्होंने, भारत ने बम गिराए और
केवल गिराए नहीं, और वो मैं आपको इस पे दिखाऊंगा, स्क्रीन है क्या? हाँ, तो वो भी दिखाऊंगा क्या बोले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे और बम गिराए, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, वायुसेना ने बम गिराए और हमारे भी बहुत शहीद हो गए। कौन हमारे? भारत का तो कोई मरा नहीं, और जो मारे गए वो तो आतंकी थे, वो हमारे कब से हो गए? तो ये जहां तक कहे उनका डिस्कोर्स, वो क्या हमें डांटेंगे? एक मिनट जरा ये दिखाओ जरा। अरे एक मिनट ना, एक ही मिनट लगेगा। ऐसा क्या है, मैं यहाँ जा नहीं रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ। हाँ, और कभी नहीं, अरे भाई मैं आपका ही हूँ, और इसलिए नहीं नहीं ये तो ओरिजिनल है, वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे है ये भाषण। नहीं, हम सबूत दिखा रहे, और मैं आपको बताता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ, बताऊं मैं। चलो नहीं हो रहा है तो मैं आगे बोलता हूँ, चलो छोड़ो। हाँ, एक मिनट, सबको वीडियो कांग्रेस के ट्वीट हैंडल पर मिलेगा कल का भाषण, छोड़ो। हाँ तो वो चल रहा है, चलेगा तो देखो, तब तक नहीं नहीं तब तक मैं बोलता हूँ, फिर लास्ट में जाते समय दिखाएंगे। हाँ बताइए। मेरा सवाल ये है कि अनिल अंबानी कर्ज में डूबा हुआ है, अनिल अंबानी कर्ज में डूबा हुआ है, और गुजरात में 648 करोड़ रुपए का इनको ठेका छोड़ दिया। ये गलत है जानकारी। चलो हाँ जावड़ेकर जी, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव के समय आपने कहा था कि बीजेपी बहुमत लेके आएगी और आप प्रभारी थे, हाँ, आपने कहा था बीजेपी आ गई तो क्या जिम्मेदारी होगी, आपने कहा था पार्टी जिम्मेदारी लेगी, जिम्मेदारी के बाद क्या एक्शन हुआ, वो का वो ढांचा दिख रहा है कोई? पार्टी ने देखो, हमें सफलता मिलती है तो भी पार्टी की सफलता होती है, अगर अपेक्षाकृत, क्योंकि आप अनेक लोग तो आप में से 40 सीटें ही दे रहे थे तो 73 सीटें मिल गई, तो जो भी यश अपयश होता है उसकी जिम्मेवारी पार्टी की होती है, और अब उसकी भरपाई 25 के 25 सीटें जीतकर हम करेंगे। वाजपेयी की अपेक्षा मोदी सरकार से विपक्ष अधिक परेशान क्यों है? वाजपेयी सरकार से इतना डरावा नहीं था, लेकिन आज मोदी सरकार से हर कोई डरा हुआ है विपक्ष से। नहीं, कोई डरा हुआ, सामान्य जनता खुश है, वो डरी हुई नहीं है। विपक्ष से, विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि उनको चोरी, खुद की हुई चोरी मालूम है, और चोरों को बख्शा नहीं जाएगा ये भी उनको मालूम है।